जब वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं तो अल्लाह ने लोगों के दिलों के अंदर भी उनकी मोहब्बत को डाल दी। तो हम सब मिलकर दुआ करेंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आइने सताइश है मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करते हुए इनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी भी हर तरह से हिफाजत फरमाए, सेहत व आफियत की दौलत से मालामाल फरमाए और जो होने वाली शादी है अल्लाह ताला उस शादी को हर तरह की खुराफात से और हर तरह के शुरूर व फितन से हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you.
आज की दुनिया में बशर काम करना है जो कर साफ नीयत है अगर फिर ना अंजाम चले। आज के महफिल, आज के बस, आज का ये मेरा और आपका जमा होना यहाँ पर अलखे चामल के सभी मसाजिद के जिम्मेदार और उलमाए इकराम इस नस्बत से जमा होते हैं। जैसा कि आप सभी हजरात बखूबी जानते हैं कि मेरे और आपके और रियासत कर्नाटक के शहीद क़ाइद रियासत साबिक वज़ीर आली जनाब बीजर ज़मीन अली खान साहब की घर में जो खुशियों का माहौल और जो शादी है इसके मंजर पर उनको हुकूमत की जानिब से पाबंदी की गई है। रियासत कर्नाटक की हुकूमत से आली जनाब बीजर अली खान साहब की शादी में पाबंदी की गई कि लॉकडाउन के चलते हुए उनकी खुशियों का जो माहौल है अगर वो अगर आदमियों को अगर खुशियाँ जमाना चाहे तो 10 पैलेस ग्राउंड भी बस नहीं आते, इसलिए हुकूमत से पाबंदी है। मगर बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ उनके चाहने वालों को कोई पाबंदी नहीं है। जैसा कि जो इंसान गरीबों की, यतीमों की, मजबूरों की, बेसहारों की खुशियों के लिए उसका अपनी ज़िंदगी का मकसद जो खुशी औरों की खुशियों के अपनी ज़िंदगी का मकसद बना दिए हैं वो इंसान के घर में आज खुशी है। ये आलिस ये ज़मीर अहमद खान साहब के घर की खुशी नहीं बल्कि रियासत कर्नाटक के तमाम जितने भी ज़मीर अहमद खान साहब के चाहने वाले हैं उन तमाम की खुशी है। मैं आज इस मंच से अब जैसे कि जो पाबंदी है जो ज़मीर अहमद खान साहब के ऊपर है मगर उनके चाहने वालों के ऊपर ये पाबंदी नहीं है। इंशाल्लाह 3-4 दिन अभी देखिए अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारे पूरे वार्ड 139 वार्ड के अंदर ये प्रोग्राम आने वालों की खुशी है, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते, हमारे ऊपर पाबंदी है। तो आवाम ने एक जहीन ने हमारे कमेटी ने एक कमेटी में हमें लोगों का राय मशवरे के साथ ये आगाज़ किया है। वार्ड नंबर 139 के अंदर जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, सिख हैं, मुस्लिम भाई जितने भी हैं ये सब हम इनकी खुशी में शरीक रहेंगे, बराबर खुशी मनाते रहेंगे। तो क्या क्या आपने यहाँ पर दिया है आज, कितने साड़ियाँ और कितने लोगों में आज उलमाए इकराम में तोहफे दिए हैं बताइए। उलमाए इकराम के अंदर जो कि ये बड़े मेरे लिए बाईस फ़ख्र की बात है, जब भी अगर कोई पर्टिकुलर में अगर फंक्शन होता है तो उलमाए इकराम हमारी दावत पर लबक कहते हुए हमारी दावत पर लबक जो आते हैं मैं उनका तहे दिल से हलके चामरजपेट के तमाम उलमाए इकराम का और ज़िम्मेदार हजरात का मैं तहे दिल से उनका अदबन शुक्रिया अदा करता हूं और दिल की हृदय की हरियाणा से शान शान इस्तेमाल करते हुए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज हमारे इस मंच पर हमारे इस मोहल्ले पर हमारी छोटी सी तमाम उलमाए इकराम जुड़े और ज़मीर अहमद खान साहब के जो बेटी हैं और जो दामाद हैं उनके हक़ में दुआ करिए इंशाअल्लाह उनकी अजवाजी ज़िंदगी पुरसकून हो, उनकी ज़िंदगी में चैन और सुकून अमन अमन हो, यही हमारा मकसद है, यही आज का एक पैगाम है। महामारी लॉकडाउन की वजह से हुकूमत की तरफ से ज़मीर अहमद खान साहब के शादी को पाबंदी आयद की गई है, क्योंकि ज़मीर अहमद खान साहब की खुशी में रियासत कर्नाटक के तमाम शहरों से आदमियों का एक जुनून एक जट्टा जमा हो जाएगा, इसीलिए हुकूमत की तरफ से उनकी पाबंदी की गई है। हुकूमत की जानिब से पाबंदी तो ज़मीर साहब के घर के और फैमिली को है मगर उनके चाहने वाले को पाबंदी नहीं है। मगर रियासत कर्नाटक देखिए इंशाल्लाह कल या परसों हर जगह जगह में ज़मीर अहमद खान साहब की घर की खुशी पूरे मोहल्ले में पूरे गली कुचों में इंशाल्लाह खुशी का सिलसिला जारी रहेगा। तो अभी इसी खुशी में आप जो है साड़ियाँ तकसीम कर रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं। हाँ, इसी खुशी में ज़मीर अहमद खान की जानिब से हर घर को ज़मीर अहमद खान की जानिब से एक तोहफे का इंतज़ाम किया गया है। वार्ड नंबर 109 के हर घर को इंशाल्लाह एक तोहफे का इंतज़ाम किया गया है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहू व नसल्लि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعاء مفتاح العبادة صدق الله صدق رسوله النبي الأمين الكريم الحمد لله آج ہمارے عالی جناب ہر دل عزیز ایوب صاحب جو کونسلر ہیں جوگو نگر کے ان کی طرف سے یہاں بہترین انداز میں الحمد للہ آج दुआया मजलिस का इनाकाद आली जनाब हरदिल अज़ीज़ बी जेड ज़मीर अहमद साहब दामत महालिम जो हमारे MLA हैं चामराजपेट के उनकी बेटी की निकाह और अक्द के सिलसिले में किया गया है। जी, बेटी के अक्द के सिलसिले में यहाँ पर दुआया मजलिस रखी गई है जिसमें आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह कई उलमाए कराम मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के यहाँ पर हाजिर हुए थे। मुझे भी हमारे आली जनाब अयूब साहब कौंसलर की तरफ से दावत मिली, मैं यहाँ पर हाजिर आया।
हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान साहब हैं, हज़रत मौलाना रईस अहमद ख़ान साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मजलिस है वो सिर्फ दुआ के लिए मुनाकिद की गई है और हम लोग वाकई में सबसे पहले मुबारकबादी पेश करते हैं। आज जो ये महफिल सजी है इंशाल्लाह हमारे ख़ायत मीर दैट ज़मीर अहमद साहब की साहिबजादी की शादी के लिए ये दुआ सजाई गई है। अल्लाह ताला उनका जोड़ा सलामत रखे, अल्लाह परवरदिगार उनका घर सलामत रखे, उनके घरों में खुशियाँ अता फरमाएँ, रहमतें अता फरमाएँ, बरकतें अता फरमाएँ, नेमतें अता फरमाएँ, उनकी हर मुश्किलात आसान फरमाएँ। या अल्लाह उन्हों जब तक जिंदा हैं जब तक उनकी मिनिस्ट्री कायम रहे, उनकी दौलत कायम रहे, उनकी सोहबत कायम रहे परवरदिगार, इन तमाम उलमा इकराम से आज जो दुआ की गई है इंशाल्लाह ये दुआ हमेशा के लिए कामयाब और कामला नहीं रहेगी। मैं शबाब बेतुलमाल का सदर, मैं तहे दिल से अयूब खान साहब सदर का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें दावत दी और आज जो उलमा इकराम सब जमे थे मैं इंशाल्लाह उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। जिस बुनियाद पे भी हुआ मुझे इसकी इतला नहीं थी, ठीक है मैं जो भी कह रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला से आसान फरमाए और कबूल फरमाए। अल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है सबसे पहले कि हम यहाँ पर आए, और ये सही बात है कि शायद इज्तिमाई तौर पर इतनी बड़ी ये जो दुआ का अहतमाम किया गया है शायद आज तक किसी ने भी अपने बच्चों की शादी से पहले ये दुआ का अहतमाम किया होगा, और ये शायद हमारे अयूब खान साहब क़िबला की रहनुमाई है, इन्होंने शायद इनको मशवरा दिया होगा कि दुआ का इस तरह से अहतमाम करें आप, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस दुआ में गरीबों के लिए जो इन्होंने तोहफे देने का इंतज़ाम रखा है तो ये भी बहुत काबिल मुबारकबाद है, और कुल मिला के बातें बहुत कुछ हैं। कहते हैं ना, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, बातें तो बहुत हैं लेकिन ज़मीर अहमद ख़ान साहब के लिए, अयूब खान साहब के लिए कितनी तारीफ़ की जाए वो कम है और कितनी दुआ की जाए कम है। और इंशाअल्लाह ताला मैं बज़ाते खुद यहाँ से लेकर बगदाद, कूफा, करबला, नजफ, मौला अली के दरबार और फिर हुजूर के दरबार में जाकर इंशाअल्लाह इनके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए और आप तमाम लोगों को भी कामयाबी अता फरमाए और दूल्हा दुल्हन को हमेशा खुश रख के और ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नियत का और दीन का काम लेने की मौला तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, उस सियाह समंदर से नूर निकलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये जो दुआ वाली महफिल जनाब अयूब खान साहब और मीर ज़मीर अहमद खान साहब ने सजाई है और हम सबको भी एक जगह जमा फरमाए हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सबको कबूल फरमाए, इन सब की खिदमत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। जितनी मखलूक की ये खिदमत कर रहे हैं मीर ज़मीर अहमद साहब, सबकी दुआएं ज़मीर अहमद खान साहब के साथ हैं और हम जनाब वारसी भाइयों की दुआएं भी मीर ज़मीर अहमद खान साहब और जनाब अयूब खान साहब के साथ हैं। हमारे पीर सरकार वारिस पाक का फरमान है कि मोहब्बत करो, मोहब्बत है तो सब कुछ है, मोहब्बत है तो सब कुछ है। तो ये मोहब्बत की अलामत है कि जनाब मीर ज़मीर अहमद खान साहब ने मोहब्बत की बिना पर सारी मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। इन सब की खिदमत को कबूल फरमाएं, हमारे वारसी भाइयों की तरफ से सलाम है, दुआ है। ताला का बहुत ही बड़ा एहसान और करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मीर ज़मीर अहमद साहब अल्लाह ने इस तरीके से नवाजा है, नवाजने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से सादगी के साथ शादी करने का फैसला लिया है ये हमारे लिए बहुत बड़ी सादत मंदी की बात है। और साथ ही साथ हमारे इस टीपू नगर इलाके में केआर मार्केट के कारपोरेटर हमारे अजीज़ मोहतरम जनाब अयूब साहब ने उनकी तहनीत के लिए उलमाए किराम को जमा कर जिस तरीके से दुआए खैर किया है, हकीकत में यह काबिल तारीफ़ है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला ज़मीर अहमद साहब की और अयूब साहब की मोहब्बत को कायम व दायम रखे, और हमारी तरफ से यही दुआ है कि अल्लाह ताला दुल्हा दुल्हन की ज़िंदगियों में खुशियां अता फरमाए,
और अयूब साहब और ज़मीर अहमद साहब को बुरी नज़र से बचाते हुए अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए। आज की ये बाबरकत नशिस्त बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब की दफ्तर के अक़्दे मसनून के ताल्लुक से दुआइया नशिस्त है। इसमें जनाब अयूब खान साहब ने बहुत से उलमा और सूफिया को दुआ के लिए मदऊ किया और सारे लोग तशरीफ़ लाए और यहाँ पर दुआ भी हुई और तासुरात भी पेश किए गए। हम लोग भी इस वज़ में इसी ताल्लुक़ से हाजिर हुए और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कायद बीजेड ज़मीर अहमद खान की उम्र में बरकत अता फ़रमाए और उनकी बच्ची के हक़ में भी बरकत अता फ़रमाते मोहब्बत अता फ़रमाए। और हमारे जनाब अयूब खान साहब ये भी माशाल्लाह आदिल अज़ीज़ हैं, इन्होंने ये सब कुछ किया और करते रहते हैं। अल्लाह ताला इनके तमाम तर काविशों को अपनी बारगाह में कबूल करें। बताइए शादियों के ताल्लुक से असल में क्या है, हमारे यहाँ जो शादियों के तौर तरीके हैं उनके इस्लाह की ज़रूरत है। उनमें अगर इस्लामी तौर तरीके आ जाएँ तो शादियाँ भी काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगी और लोगों के दरमियान भी जो एक दुश्वारियाँ लाहक होती हैं वो दुश्वारियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। हकीकत यह है कि इस्लामी कोई भी तरीका हो आपको जीने का सलीका भी सिखाता है और जीने का हक भी देता है। और अगर इस्लाम को छोड़ने के बाद में आप शादियाँ हों या दीगर कोई भी तकरीबात हों आप करें तो मुश्किलात के अलावा आपको कुछ भी हाथ नहीं आता, जो कुछ भी आपको मिलना है वो इस्लाम के दामन ही में मिलना है। लिहाजा मुसलमानों को तो चाहिए, तमाम अहले इस्लाम को चाहिए कि वो इस्लाम के तौर तरीक़ों को अपनाने के बाद में अपनी तमाम तकरीबात का इनेकाद करें। शादी भी सादगी के साथ, शादी भी सादगी के साथ में हो, दीगर तकरीबात भी सादगी के साथ में हो, लेकिन उनके लिए शऊर ज़रूरी है, हिकमत ज़रूरी है, हिकमत अमली बहर सूरत आपकी हर तकरीब में रहना चाहिए। और शादी के अंदर तो बहरहाल सादगी लाजमी है, ज़रूरी है, सुन्नत है।